तो गाइस सैमसंग S20 FE काफ़ी पॉपुलर स्मार्टफोन रहा है इंडिया के अंदर। सो इसका सक्सेसर S21 FE बहुत जल्द इंडिया के अंदर लॉन्च होने वाला है। तो यार इस साल आपको अगस्त के अंदर सैमसंग का अनपैक्ड इवेंट देखने को नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि ये स्मार्टफोन आपको अगस्त के शुरुआत में देखने को मिल जाएगा। तो बात करें यार इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले से, तो इसके अंदर आपको 6.5 इंचेस की फुल HD प्लस सुपर डायनामिक एमुलेट डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि HDR10+ को सपोर्ट करती है। साथ में इसके अंदर आपको 240Hz का टच सैम्पलिंग रेट और 120Hz की रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाती है। साथ में इसके अंदर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाता है। बात करें प्रोसेसर की, तो यार इस स्मार्टफोन के अंदर इंडियन वेरिएंट के अंदर आपको Exynos 2100 का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, जो कि रॉ CPU परफॉर्मेंस के अंदर यार Snapdragon 888 को भी पीछे कर देता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। साथ में आप इस स्मार्टफोन के अंदर काफ़ी अच्छी गेमिंग कर सकते हो, और ये प्रोसेसर 5G को तो सपोर्ट करता ही करता है। बात करें कैमरे की, तो यार इस स्मार्टफोन का मेन हाइलाइटिंग फीचर यही होने वाला है कि इसके अंदर आपको 12 MP का प्राइमरी सेंसर जो कि OIS के साथ आता है, 8 MP का टेलीफोटो और 12 MP का आपको अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। साथ में अगर फ्रंट की बात करें, तो हायर मेगापिक्सल 32 MP की सेल्फी देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और आप फ्रंट और बैक से दोनों से ही आप 4K 30 FPS पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। साथ में आपको इसके अंदर 4500 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, जो कि 25W की चार्जिंग को सपोर्ट करती है। साथ में आपको 15W की वायरलेस चार्जिंग और 2.5W की रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। लेकिन भाई बात करें यार लॉन्च डेट और प्राइस की, तो यार लॉन्च डेट में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये आपको अगस्त के शुरुआत में देखने को मिल जाएगा। और प्राइस भाई इस बार काफ़ी शॉकिंग होने वाली है सैमसंग की तरफ से, क्योंकि इसका प्राइस आपको सैमसंग S20 FE से भी 4 से 5 हज़ार रुपये कम देखने को मिल सकता है। साथ में बेस वेरिएंट के प्राइस की बात करें, तो इसका प्राइस आपको 46,000 के अराउंड देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है यार। सो काफ़ी कमाल का स्मार्टफोन होने वाला है सैमसंग की तरफ से। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ओके, बाय एंड टेक केयर।